वैदेही नायर, जिन्हें आप कई सारे अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं। वैदेही ने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस 2, राधा कृष्ण सीरियल तंत्र से उन्होंने डेब्यू किया। इसके अलावा वो फिलहाल नजर आ रही हैं शिव शक्ति तब त्याग तांडव में रोहिणी के किरदार में। इसके अलावा उन्होंने वेब सीरीज भी की है और जल्द ही उनकी फिल्में भी आने वाली हैं। तो भाई सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है वैदेही नायर के घर पर, जहां आज हम उनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। देखेंगे उनका खूबसूरत आशियाना, वैदेही दिखाएंगी अपने कपड़ों, एक्सेसरीज और शूज का कलेक्शन, बनाएंगी अपने दर्शकों के लिए कुछ स्पेशल, इसी के साथ शेयर करेंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए सीधा चलते हैं रोहिणी यानी कि वैदेही के घर पर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। वैसे हम आपको बता दें कि वैदेही का जन्म गुजरात में हुआ और उनके पापा की अलग अलग पोस्टिंग के कारण वो जगह जगह पर रही हैं, लेकिन 2018 में मुंबई में हुआ उनका बसेरा, जहां से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। तो चलिए हम वैदेही नायर के साथ उनका घर घूमते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपना घर किस तरह से सजाया है, क्या कुछ है उनके घर में खास और कौन सा है उनके घर का फेवरेट कोना। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम हमारा पूरा दिन वैदेही के साथ बिताने वाले हैं, उनका ब्यूटीफुल सा घर देखने वाले हैं। वैदेही प्लीज बताइए क्या करने वाले हैं हम, क्या कुछ है आज के प्लान में? आज का दिन आप लोग मेरे घर पे आए हो एंड यू गाइज आर गोना सी हाउ आई स्पेंड माई डे एंड मेरे घर में क्या क्या है अबाउट माई रूम एंड अबाउट माई लाइफ। तो शुरू करें? यस डेफिनेटली। सो स्टार्टिंग विद माई एंट्रेंस, सो यहाँ पे मैंने डेकोरेट कर रखा है ये पूरे प्लांट्स। सो मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होंगे और जितने भी लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे और मेरी मॉम को फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रीनरी इन सब का बहुत शौक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बाहर ऐसा रखा है एंड ये भी हमने डेकोरेट किया है, लव डेकोरेटिंग मी एंड माई मॉम, सो वी कीप डूइंग दैट। सो हमने ये भी यहाँ पे डेकोरेशन के उस पर लगा रखा है, सो ये हमारे दिवाली के टाइम पे भी था एंड नाउ इट इज गोइंग विद द डेको, सो हेयर इट इज। So let's go inside. This is my living room. So मेरे और मॉम को, जैसे मैंने आपको बोला मुझे और मेरी मॉम को डेकोर करने का बहुत शौक है, सो इन एवरी सिक्स मंथ्स वी काइंड ऑफ कीप चेंजिंग द कलर पैटर्न एंड एवरी थिंग। लास्ट इट वॉज ब्लैक बट नाउ वी हैव एडेड अ टिंच ऑफ पिंक ऑल्सो इसके अंदर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर, बिकॉज यहाँ से जो व्यू आता है इट इज़ ऑफ द नेशनल पार्क एंड मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड आई एन्जॉय इट अ लॉट। एंड एज माई फादर इज़ इन आर्मी, सो हमने बहुत जगह ट्रैवल कर रखा है, सो हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो हमने हर जगह से कलेक्ट कर रखा है एज अ सोवेनियर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये जो टेबल है रिसेंटली एड ऑन किया है हमने, ले से बनवाया है हमने एंड इवन यहाँ पे जो बुद्धाज हैं वी हैव टेकन इट एंड दिस इज़ फ्रॉम गुजरात। एंड देन आपको हर कॉर्नर पे फ्लावर्स या प्लांट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इवन इन माई रूम यू विल फाइंड दैट। दिस इज़ वन ऑफ द कॉर्नर्स, अगेन यू विल सी फ्लावर्स हियर एंड देर आर लैम्प शेड्स एंड दीज डॉल्स ऑल्सो वी गॉट इट फ्रॉम सम प्लेस आई गेस मऊ या ऐसा कुछ है, सो या आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम। और यहाँ पे हमने ये जो गणेश जी हैं ये भी हमने ले से लिया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, लाइक मम्मा वी हैव टू टेक दिस। एंड ये भी दिस इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट व्हेन माय डैड वाज पोस्टेड देयर, सो हमने ये वहाँ से लिए, बड़े क्यूट लगता है मुझे। एंड देन या दैट इज़ माय डेकोर एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे
I have my coffee, evening coffee, or I complete my assignments. Yeah, songs laga ke I just like to sit here. And this is from Jodhpur. Even that table, we got it from Jodhpur. So I just love being here. And this is also one of my corner. And this is the low-lying seating arrangement. जब मेरे friends घर पे आते हैं, so we just, you know, sit here, talk, chill, play games. So yeah. And this is the award which I got. So मैंने यहाँ पे I'm ज़्यादा जब जा रहे आगे जब awards मिलेंगे, so I'll create a proper wall of it. So ये मुझे राइजिंग टैलेंट ऑफ द ईयर के लिए मिला है. रिसेंटली आई गॉट इट, सो आई एम केप्ट इट हियर. सो ये जो लाइट है इसके पीछे एक बैक स्टोरी है कि ये मैंने दिल्ली से लिया था बंजारा मार्केट से. एंड तब मेरे डैड वहाँ पे पोस्टेड थे तो हम सब गए थे वहाँ पे. एंड मम्मा वाज बिजी इन सीइंग हर स्टफ एंड मुझे ये लाइट बहुत टाइम से चाहिए थी. लाइक आई वाज लाइक आई वांट दिस. मैंने इतने सारे शॉप्स में देखा, लाइक ले ले पापा, वाज लाइक नहीं अभी नहीं अभी नहीं. देन वन शॉप पे आई वाज लाइक नहीं, वी आर टेकिंग दिस. एंड आई नो कि मुझे दिल्ली से मुंबई आना था फ्लाइट में, कैसे सम हाउ आई गॉट इट. Like, so I wanted this light. So this light is, you know, special to me and I love this very much. ये जो knife है हमने लिया था ये अलंकार से, वहाँ पे shipwrecks होते हैं. So वहाँ पे this is the speciality जो वहाँ पे बनती है. So ये मैंने वहाँ से लिया था. जो watch है ये I guess बहुत time से है. ये maybe my nana gave it to my mom. So this is in my drawing room from a very long time. So अभी हम इस कॉर्नर पे आते हैं. सो ये जो दो पेंटिंग्स हैं ये मैंने उड़ीसा से ली थी. और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मैंने एक विलेज है उड़ीसा में वहाँ पे पाम लीव्स के ऊपर उन्होंने ये कार्विंग्स की हैं. सो यू कैन सी दिस. एंड दीज रिकॉर्ड्स ये जो हैं ये माय मॉम गॉट फ्रॉम हर डैड. उन्होंने संभाल के रखी हुई थी. सो दीज आर ओरिजिनल एंड वहाँ से वी हैड टेकन दिस. This tea set Bhuj se liya tha, my birthplace, and this is actually very cute. I like the design also, it is very cute and we use it sometimes. So yeah, and baki glasses ki different glasses ki collection hai. So ye bhi ek wind chime hai jo जाते आते बजता रहता है ना. वे लाइक द रिदम ऑफ इट, मतलब एक घर में एक लाइवली एटमोसफेयर रखता है इससे. सो मूविंग ऑन. सो दिस ये जो कॉरिडोर में है, दिस पेंटिंग, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड ये मैंने माउस से ली थी. सो इट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो बता रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो डैड है वो आर्मी में है और वो कहीं जा रहे हैं और वो अपनी डॉटर को हग कर रहे हैं. वैसे वैदेही ने दिखाई अपना शू कलेक्शन. भाई उन्हें तरह तरह के शूज पहनने का शौक है और उनका कलेक्शन भी काफी रॉकिंग है. मुझे शूज कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है. मुझे बहुत ज्यादा आई लव कलेक्टिंग शूज. लाइक इतनी डिफरेंट कलेक्शंस हैं. मेरी जो रीसेंट कलेक्शन ऑफ शूज है आई गॉट कॉन्वर्स. सो या आई गॉट दीज. और बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स, बूट्स, सारे टाइप के शूज हैं मेरे पास यहाँ पे. ये है मेरे कुछ फेवरेट्स फ्रॉम माय कलेक्शन. सो ये मैंने रिसेंटली लिए हैं. अभी मुझे बहुत प्रिटी लगते हैं इसका पूरा डिज़ाइन जो है. एंड दिस इज़ माय फेवरेट कलर, मिंट ग्रीन. एंड जो मैंने ब्रह्मराक्षस 2 में कैरेक्टर प्ले किया था उसका नाम भी मिंटी था. तो उसके बाद से आई डोंट नो मुझे कलर बहुत पसंद आने लग गया मिंट ग्रीन. एंड ये भी डिफरेंट टाइप के शूज़ हैं. आई टोल्ड यू अबाउट कॉन्वर्स एंड आई लव दिस कलर एज वेल. अब चलते हैं वैदेही के कमरे की ओर
क्योंकि इनके कमरे में ढेर सारी चीजें हैं, जहां उन्होंने कमरा तो घुमाया ही, साथ ही साथ कि हमने उनके वार्डरोब में ताका झांकी और वैदेही ने दिखाया अपना एक्सेसरीज का कलेक्शन। सो नाउ लेट्स गो टू माय रूम। सो दिस इज माय रूम। यहां पे ये जो है ये मेरी फैन ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन माय बर्थडे, वैदेही एंड हर नेस्ट एंड ड्रीम कैचर्स। सो अब जैसे मेरे रूम में जाएंगे आप देखेंगे कि मुझे ड्रीम कैचर्स बहुत ज्यादा पसंद है। लेट्स गो इनसाइड। वेलकम टू माई रूम। सो मेरे रूम की जो थीम है इट इज़ वाइट एंड ब्लू। सो बहुत टाइम तक मेरे रूम की जो थीम थी वो पिंक थी, फिर क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद था। देन उसके बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग वाइट, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी फर्नीचर है इट इज़ वाइट। सो इस ड्रॉअर में मोस्टली मेरी वो चीज़ें हैं जो मेरी एसेंशियल्स होती हैं, लाइक वॉच एंड दिस आई मास्क जो मैं सोने से पहले पहनती हूँ। सो आई फाइंड दिस वेरी क्यूट। एंड कमिंग ऑन टू दिस वॉल, सो वैम्पायर डायरीज बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सो यहाँ पे मैंने इसलिए उसकी पोस्टर्स लगा रखे हैं। देन वैदेही, ये भी मुझे कोलैब में आया था, सो आई रियली लाइक द वे उसकी कैलीग्राफी मुझे बहुत पसंद है। नोआ सेंटिनो, बिग टाइम फैन। सो आई हैव मतलब एक वॉल जहाँ पे मैंने पोस्टर्स लगा रखे हैं ऑफ ऑल द थिंग्स विच आई लाइक। कमिंग ऑन टू माई बेड एंड यू कैन सी इसके पीछे भी मैंने ड्रीम कैचर्स लगा रखे हैं। पीछे एक ड्रीम कैचर है, इसमें भी लाइट जो है वो ऑन करती हूँ मैं, और ऊपर भी एक ड्रीम कैचर है, वहाँ पे नियॉन लाइट्स हैं पिंक कलर की, सो यू गेट दैट इफेक्ट एज वेल। और अगेन जैसे आप देख सकते हैं मेरे रूम के बाहर वही व्यू है। सो आई कम हियर, मैं सॉन्ग्स पुट करती हूँ, आई सिट, आई जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड्स हियर एंड आई रियली एंजॉय द व्यू। सो ये है मेरे दो फेवरेट सॉफ्ट टॉयज। इन दोनों के बिना मुझे नींद नहीं आती, मतलब अगर मैं कहीं पे शूट पे भी जा रही हूँ सो ये दोनों मेरे साथ जाते हैं क्योंकि मुझे जनरली इनके बिना नींद नहीं आती है। सो या और बाकी मेरे जो सॉफ्ट टॉयज हैं मैंने वहाँ पे ऊपर रखे हुए हैं। सो इसके अंदर पांडा है, आई लव पांडाज, और ये एक निटेड सॉफ्ट टॉय है जो मुझे कोलैब में आया था एंड आई लव यूनिकॉर्न्स। सो ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में भी मिला था। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि मुझे यूनिकॉर्न का भी बहुत क्रेज है, सो यूनिकॉर्न इस चीज से। देन कमिंग ऑन टू दिस कॉर्नर, ये जो पेंटिंग है ये मैंने ले से ली थी। सो मेरी ले ही आजकल कलेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सो दिस आई हैव केप्ट इट एंड इट इज गोइंग विद माय डेकोर, सो आई रियली लव इट। एंड देन ये मेरा गिटार है। सो गिटार की प्रैक्टिस मेरी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट मैंने गिटार सीखा था, इवन मेरे पोस्ट पे है दैट आई कीप प्लेइंग गिटार। ये जो है, सो कमिंग ऑन टू दिस बॉक्स, इसके अंदर मेरे जितने भी फेवरेट शेड्स हैं इसके अंदर हैं। बहुत ज़्यादा है मेरे पास शेड्स, लाइक आई गेस एवरी कलर, मोस्टली एवरी कलर एंड आई हैव दो शेड्स सो ड्रॉअर के अंदर हैं। बाकी जो मेरे कुछ कुछ फेवरेट्स एंड डेली यूज़ में जो चले जाते हैं वो यहाँ पर हैं। And this is a bag which my nani got from Malaysia for me. So ये मुझे बड़ा cute लगता है, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है।
देन कुछ जो मेरे शूट पे जाने वाले बैग्स हैं और बाहर जाने वाले बैग्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. दिस इज़ माई मेकअप का पाउच एंड दीज आर माई क्रीम्स एंड एवरीथिंग. लेट मी शो यू. मोस्टली आई एम अ बैकपैक पर्सन. जैसे मैं शूट पे जाती हूँ सो आई कैरी मोस्टली बैकपैक्स. दिस बैग इज़ ऑल्सो फ्रॉम ले. देन दिस आई गॉट. मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा था ये बैग. सो यू कैन सी इट इज़ मोमेड प्रिंट एंड आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे. देन दिस इज़ अ रीसेंट बैग विच आई गॉट एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है. यू कैन सी गोज़ विद मोस्टली एवरी आउटफिट एज वेल. ये दोनों मेरे कॉलेज के बैग्स हैं. सो आई कम होम एंड आई कीप माई बैग हेयर. देन ये जो मेरा कॉर्नर है इससे स्टार्ट करते हैं. ये मैंने टेड टॉक दिया था तो उसका मुझे सर्टिफिकेट नोट्स देन डायरीज. देन इस वाले ड्रॉअर के अंदर आई हैव केप्ट माई ड्रॉइंग्स. सो दो आई रियली लव टू ड्रॉ बट कभी कभी बिकॉज ऑफ माई शूट शेड्यूल आई डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम. बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आई कैन यू नो स्टार्ट ऑन अ ड्रॉइंग. तो आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ. आई यूज टू गो टू ड्रॉइंग क्लासेस बट बिकॉज ऑफ माई schedule I could not complete it. So this is one of the thing which I have done. It is pens, so it is not charcoal painting. This is pens. I'll show you my charcoal painting. I was learning that. So yeah, these are meri kuch kuch drawings jo maine banayi hain. Coming on to my wardrobe. mere jitne bhi jo log mujhe jante hain unko pata hoga बहुत बड़ी शॉपाहॉलिक हूँ और कपड़ों जितने भी मुझे मिल जाए आई एम नेवर एवर सैटिस्फाइड विद इट. सो देखते हैं. वो ऊपर जो है मेरी जैकेट्स की कलेक्शन है. सो ये पूरी जैकेट्स की कलेक्शन नहीं है बट जो जो मेरी फेवरेट्स हैं या डेली यूज़ में चले जाती हैं सो इट इज़ लाइक दैट. सो रिसेंट जैकेट नवरात्रि पे आई हैड गॉट दिस. And then I have a lot of different types of varsity jackets. One more whole cupboard which I have of clothes. And my mom was like, Vaidehi, bas kar. I was like, नहीं यार मेरे पास still भी कपड़े नहीं है. That is the motto. I guess हर लड़की का motto ये होता है कि यार कपड़े ही नहीं है मेरे पास. और फिर ये मेरी skirts हैं यहाँ पे. जितने भी different type of skirts I have. देन ये वाली जो स्कर्ट है मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगता है. सो जो भी मेरे पास जितनी भी स्कर्ट्स हैं मतलब उसका या तो डिज़ाइन डिफरेंट है या कलर डिफरेंट है. सो आई हैव मतलब सारी टाइप ऑफ स्कर्ट्स के डिज़ाइन मुझे मतलब टोल्ड यू शॉपाहॉलिक. तो एंड हम जब ये वाले साइड ऑफ द कबर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि मेरे जितने भी ग्रीन क्लोथ्स हैं दे आर इन एक पूरे रैक में. देन जितने भी मेरे रेड क्लोथ्स हैं वो एक पूरे रैक में. एंड नीचे ब्लैक ब्लैक कलर के दो दो हैं. सो एक ये है और एक मैंने यहाँ पे था एंड दिस इज़ ब्लू. सो मैंने अपनी कबर्ड ऐसे ऑर्गेनाइज कर रखी है. इजी भी हो जाता है कि पता है कि चलो ब्लैक वाले क्लोथ्स एक रैक के अंदर मिल जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज माई कबर्ड. तो ये है मेरा मिरर एंड माय ड्रेसिंग
या यू कैन कॉल इट माई ड्रेसिंग कबर्ड एज वेल, क्योंकि इसके अंदर सारे जो मुझे क्रीम्स, परफ्यूम्स, माय मेकअप का सामान, सबके सब कुछ इसके अंदर ही है। सो इसको हम खोल के देखते हैं। ज्वेलरी एवरी गर्ल्स फेवरेट, तो मैंने यहाँ पे जितने भी अपने इयररिंग्स हैं जो रेगुलर वेयर या डेली यूज में हो सकते हैं, तो आई हैव केप्ट इट यहाँ पे। देन ये मेरे सारे परफ्यूम्स हैं। ये परफ्यूम्स और एलोवेरा जेल, जो चीज़ें स्किन पे हो सकती है, उन सबका है। देन आई हैव माई नेल पेंट्स यहाँ पे एंड मेकअप के कुछ ब्रशेस। और ये जो है यहाँ पे आई हैव केप्ट मेरे जितने भी नेक वेयर्स हैं, सो ये भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से आई हैव टेकन। इसके अंदर मेरी सारी रिंग्स हैं। सो देन नीचे जो है मैंने अपना पूरा मेकअप का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। सो यू कैन सी इन दैट ये मैंने लिपस्टिक ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। ये मेरे जितने भी आई लाइनर्स, काजल, वो फाउंडेशन, मस्कारा इसके अंदर है, देन ब्लश ऑन्स। सो ये है। नेक्स्ट वाले के अंदर आई हैव केप्ट माई ब्रशेस एंड माई आई शेडो पैलेट्स एंड माई लैशेज। एंड इसके पीछे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इतनी हो रखी थी और मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी, सो यहाँ पे मैंने अपने और भी जो इयररिंग्स हैं वो हैंग करके रखे हुए हैं। आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इट। मेरी कैप्स हैं। रिसेंटली आई फील लाइक कलेक्टिंग कैप्स एज वेल, मुझे अच्छा लग जाता है। और ये वाली जो कैप है, दिस माय डैड जो है, माय फादर, ही गॉट इट फॉर मी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय किचन एंड हम कुछ बनाते भी हैं। लेट्स सी, कम ऑन। अपना कमरा दिखाने के बाद वैदेही पहुंची अपने मम्मी पापा के कमरे में, जहां है उनकी फेवरेट वॉल, जिस पर है वैदेही की तस्वीरें, और साथ ही वैदेही ने मिलाया अपने प्यारे दोस्त से। किचन जाने से पहले हम एक बार इस रूम में जाते हैं, और ये बेसिकली मॉम डैड का रूम है। ये जो वॉल है, इसमें जो मैंने अभी वेब सीरीज की है उसकी मेरी सारी फोटोज हैं, और ये जितने मैंने माइथोलॉजी शोज़ किए हैं, दिस इज़ रोहिणी फ्रॉम शिव शक्ति, और ये एक मेरे फ़ैन ने मुझे स्केच करके दिया था, दिस इज़ जामवंती फ्रॉम राधा कृष्ण, एंड वन मोर कमिंग सून। सो ये फ़ोटोज़ मैंने रिसेंटली अभी चेंज करवाई हैं, पहले जो मेरी तब की फ़ोटोज़ थी तब की मैंने डाल रखी थी। सो आई लाइक दिस वॉल, ये जो पूरा है कैन सी, एंड आई ऑल्सो मेक यू मीट जो मेरा एक और घर का सदस्य है, पिक्सी, जिसके बारे में अभी उसका इंस्टाग्राम पेज भी बना है, बहुत ज़्यादा नॉटी है वो। सो मिलते हैं हम पिक्सी से। पिक्सी से हाय। सो जैसे ही आई लॉस्ट माई डॉग जिंजर, सो देर वॉज बहुत एक लंबा पीरियड था कि जब घर में सबने सोच लिया था कि नहीं, हम अभी डॉग नहीं रखेंगे, क्योंकि जब जो डॉग का जाना होता है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल। और जैसे मेरे हमेशा बहुत टाइम से पिक्सी मेरी फोर्थ डॉग है, सो फिर इस साल मैंने बहुत कन्विंस किया कि मम्मा एक डॉग ले लेते हैं यार प्लीज़, एंड पिक्सी शूट पे भी जाती है मेरे साथ, एंड शूट पे भी सबको बहुत ज़्यादा, सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पिक्सी से, मुझसे पहले देखे पिक्सी आई है या नहीं, है ना पिक्सी? पिक्सी के भाव भी बहुत ज़्यादा हैं। है किचन में जाने की। वैसे तो वैदेही को कुकिंग का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन आज वो हमारे लिए बना रही हैं कुछ स्पेशल।
तो अभी हम जाते हैं किचन में। ज़्यादा चक्कर तो नहीं लगते मेरे यहाँ पे, बट हाँ मैंने रिसेंटली अभी चाय बनाना सीखा है। कॉफ़ी बनानी मुझे आती है, और मैगी तो चलो ठीक है, बट मैं वो भी काउंट करती हूँ कि मुझे बनानी आती है। और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझे कुकिंग का एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शौक है, लेकिन वही बिकॉज शूट्स और उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं सीख नहीं पाती हूँ। सो ये है मेरा किचन। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और लौंग और वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये मैंने सेटअप रखा हुआ है जो मॉकटेल का हम बनाने वाले हैं, सो आप देख सकते हैं। इस साइड आई हैव मेरी वाटर बॉटल सारी, एंड द माइक्रोवेव एंड द वेजिटेबल्स, एयर फ्रायर, एंड यहाँ पे सब कुछ, यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग इज केप्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ। मैं मतलब मॉकटेल्स बनाने का मुझे शौक़ है, आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, और मैंने एक ऐसा डाला भी था यूट्यूब पे। नाउ व्हेन आज जो हम बनाने वाले हैं, इसका नाम मैंने रखा है ऑरेंज क्रश। सो आप जैसे देख सकते हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज़ मिंट, लेमन, कोई भी वनीला आइसक्रीम एंड कोई भी ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक। सो यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है सारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर आइसक्रीम डाली है, वनीला आइसक्रीम। उसके बाद मैंने इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं आप लोग, तो मैंने वो डाला। एंड देन मैंने उसको ब्लेंड किया अच्छी तरह। देन मैंने मिंट ऐड किया और लेमन स्क्वीज़ किया है। अभी हमारी ड्रिंक ऑलमोस्ट रेडी है, बट हमें बस ग्लास की ड्रेसिंग करनी है। सो ग्लास की ड्रेसिंग मैं लेमन मैं सॉल्ट के ऊपर डाल के, आई विल शो यू हाउ आई डू इट। उसके बाद वी आर गोना पोर इट एंड देन वी आर गोना सी कि कैसा वो टर्न आउट होता है। सो हमारा जो ऑरेंज क्रश है वो रेडी है। Let's go and have a sip. तो भाई ये यम्मी मॉकटेल तो बन गया, अब बारी है जानने की वैदेही के करियर की कहानी, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और कैसे वो यहाँ तक पहुँची है। इसी के साथ पाइपलाइन में और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं वैदेही के पास। सो मेरा जन्म हुआ था भुज में, गुजरात में, एंड मेरे पापा आर्मी ऑफिसर हैं। तो मैंने बहुत सारी मतलब सिटीज़ में ट्रैवल किया है। मैंने अपनी स्कूलिंग, जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरा 10th स्कूल था, मैंने आई हैव बिन टू जोधपुर, आई हैव बिन टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन राजस्थान, इन पंजाब, और 2018 से मैं मुंबई में हूँ। और ऐसा कभी फिक्स नहीं था कि अच्छा एक्टर बनना है ऐसा कुछ, बट ऑब्वियसली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मेरा पैशन था टू डू एक्टिंग, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया है। लाइक माय मॉम इज़ फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड माय डैड इज़ एन आर्मी ऑफिसर। आई वांटेड टू डू एक्टिंग एंड दे हैव सपोर्टेड मी। सो सिंस 2018 मी एंड माय मॉम हम मुंबई में हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक बार मैं मुंबई आई थी एंड तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे कैमरा इतना फेस करना, मतलब होता है एक थोड़ी सी नर्वसनेस थी। एंड मैं BBC वर्ल्ड के ऑफिस में थी एंड आई स्टिल नो दैट कोऑर्डिनेटर, एंड आई वाज नॉट एबल टू गिव द ऑडिशन ओनली, एंड ऑफिस रो रही थी लाइक नहीं मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। एंड नाउ व्हेन दैट पर्सन सीज मी, सो जो चेंज आया है मेरे में, नाउ आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड जो मेरा फर्स्ट सीरियल था इन मुंबई, दैट वॉज तंत्र बाय स्वास्तिक प्रोडक्शंस। देन आई डिड भ्रम राक्षस 2 बालाजी का, विच इज़ ऑन ZTV, एंड जिसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार मिला फॉर द करेक्टर ऑफ मिंटी। देन आई डिड राधा कृष्ण, जिसमें मैंने जामवंती का रोल प्ले किया
एंड उससे मुझे बहुत सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और अभी तक मुझे लोग इतना याद करते हैं और इतने सारे फैंस एडिट्स बनाते हैं. उसके बाद देन मैंने एक मूवी की है तापसी पन्नू की, वो लड़की है कहाँ, जो अभी रिलीज़ होगी दिसंबर में. एंड देन मैंने, मेरी दो वेब सीरीज़ हैं जो आने वाली हैं, एक फोर लायंस प्रोडक्शन की गुल खान और एक है विच इज़, जिसमें मैंने सौरभ राज जैन की यंगर सिस्टर का रोल प्ले किया है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग. एंड लास्ट शो मैंने शिव शक्ति किया था, रोहिणी का कैरेक्टर, जो रोहिणी है शी इज़ चंद्रदेव्स मोस्ट लव्ड वाइफ. एंड नाउ माई वन मोर मूवी इज़ कमिंग, जिंदगी कश्मकश, जो बहुत टाइम के बाद रिलीज़ हो रही है. सो मुझे बहुत मतलब मुश्किल होगा पहचानना उसके अंदर, क्योंकि आई डिड इट जब मेरे स्टार्टिंग के इनिशियल डेज थे. बट येस, ये जो दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मूवीज़ के आ रहे हैं, दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो वेब सीरीज़ के आ रहे हैं, एंड सून आप मुझे जल्द टीवी पे देखेंगे. तो उम्मीद है आपने वैदेही के बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी और जाना होगा कि कैसी है रियल लाइफ में आप सबकी रोहिणी यानी कि वैदेही. सो आज मैंने सास बहू और बेटियां और आप लोगों के साथ अपना दिन स्पेंड किया. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आज आपने देखा वैदेही नायर के लाइफ में व्हाट ऑल आई डू, हाउ आई स्पेंड माय डे. सो आप और भी देखते रहिए और मुझे और भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग सास बहू और बेटियां. थैंक यू. तो तैयार हो जाइए वैदेही नायर को नए किरदार में देखने के लिए. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां. और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें.